अरे हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मुझे जल्दी से जल्दी फ्रैंकली भैया को ढूंढना होगा। अरे फ्रैंकली भैया, कहाँ चले गए आप? आपसे मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे क्या करे फ्रैंकली भैया? अरे अरे सिंचन, अच्छा वो तो आ गया। आजा आजा, मछली पकड़ेंगे स्विमिंग पूल में। पता है यार, मेरे ना दोस्त ने बोला था कि उसे ना उसके स्विमिंग पूल में मछली मिली है, तो मैं भी सोचा कि चल अपने स्विमिंग पूल में भी चेक किया जाए कि क्या पता हमें मछली मिल गई। तो हमें मछली यार मिल गई तो हम लोग घर में पालेंगे उसे। आजा आजा मछली पकड़ते हैं। अरे फ्रैंकली भैया, 5 साल का तो मैं हूँ, अब 5 साल की तरह एक्टिंग क्यों करते हैं? अरे फ्रैंकली भैया, मछली नहीं मिलेगी स्विमिंग पूल में। पता है मैं एकदम खतरनाक सा चीज लेके आया हूँ। अरे क्या सिंचन, क्या लेके आ गया? अरे मुझे पता चला है कि लॉस सैंटोस में एक बहुत ही खतरनाक सा चैलेंज चल रहा है। अगर वो चैलेंज हम लोग कार से कंप्लीट करेंगे तो हम लोग जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। क्या कह रहा है? क्या सच बात है? ऐसा चैलेंज हो रहा है लॉस सैंटोस में? मुझे नहीं पता भाई यार, ऐसा हो नहीं सकता। भाई ऐसा चैलेंज के लिए तो मैं कब से इंतजार करता हूँ। भाई यार, जो चाहूंगा वो हो जाएगा। जीतने पर ना जो चाहो वो मांग सकता हूँ ना। भाई मैं तो यार बहुत करोड़ रुपए मांग लूंगा, जिससे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अरे नहीं फ्रैंकली भाई, एक ही बार एक ही मांग सकता है इंसान। मैं मांगूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया है ये चैलेंज के बारे में। भाई बाद में डिसाइड कर लेंगे कौन मांगेगा, पहले ये तो बता चैलेंज क्या और कैसे करना है। भाई जल्दी बता, जल्दी बता, मैं तो यार बहुत ही एक्साइटेड हूँ। गाइस यार आप लोग भी एक्साइटेड हो गए कि भाई यार कैसा चैलेंज होने वाला है, जो यार कंप्लीट करने पर जो विश चाहे वो पूरी हो जाएगी। अरे फ्रैंकली भैया, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि बस कार से उसे कंप्लीट करना है और लोकेशन पता है मुझे। ओके तो यार चल ठीक है यार, अपनी गाड़ी तो गैराज में खड़ी है, चल आ जा यार, भाई चैलेंज को कंप्लीट करने चलते हैं। अरे वाह फ्रैंकली भैया, चलिए चलिए मजा आएगा। अरे हाँ गाइस यार, मजा तो भाई भरपूर आने वाला है। गाइस आप लोग भी एक्साइटेड होंगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना जल्दी जल्दी। अपनी मैं गाड़ी दिखाता हूँ, एक सेकेंड यार, ये गाड़ी अभी मेरे पास है। एक सेकेंड, मेरे दोस्त ने भाई गाड़ी एक्सचेंज कर दिया, देख रहे हो मेरा दोस्त यार भाई मेरा फेवरेट कार लेके चला गया और ये गाड़ी रख दिया सिंचन। अब बता हम लोग करेंगे क्या? अभी हमारे पास यही गाड़ी है, यही गाड़ी से चैलेंज करना पड़ेगा। अरे क्या फ्रैंकली भैया, आपका दोस्त भी कैसा है, बिन बताए आपकी गाड़ी लेके चला जाता है क्या? अरे यार मैं क्या बताऊं यार, मेरे दोस्त लोग के पास भी ना मेरी गाड़ी की चाबी है, तो कभी कभी वो गाड़ी लेके चला जाता है और अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। अब भाई साहब मेरी गाड़ी लेके गया है तो कम से कम 3-4 दिन तो वो लाने नहीं वाला है, तब तक हमें यही गाड़ी चलानी पड़ेगी। और हमारी फूटी किस्मत तो देखो भाई, चैलेंज भी आज ही के दिन है और हमारे पास ये खटारा सी गाड़ी भी आज ही के दिन है। सिंचन ये खटारा सी गाड़ी से क्या होने वाला है, ये तो बहुत ही खटारा सी गाड़ी है। अरे लेकिन ट्राई करने में क्या ही जाता है, ट्राई करते हैं ना फ्रैंकली भैया, क्या पता जीत गए तो मजा आएगा ना। अरे हाँ भाई साहब, गाड़ी कोई भी हो चलाने वाले में दम होना चाहिए और मेरे में तो ऑलरेडी बहुत ही दम है। चलो गाइस यार चलते हैं और देखते हैं, क्या पता यार ये चैलेंज में कंप्लीट कर पाऊं और जो चाहूंगा वो मिल जाएगा। गाइस यार आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, अगर आपको ऐसा चैलेंज मिले और बोला जाए कि भाई आप अपनी विश मांग सकते हो, जो भी चाहे एक विश मांग सकते हो, तो आप लोग क्या विश मांगोगे कमेंट करके बताओ। अरे हाँ दोस्तों, जल्दी अपनी विश कमेंट करके बताओ, हम लोग देखेंगे आप लोग के क्या क्या विशेस हैं। अरे हाँ यार भाई, मेरी विश तो ये है कि भाई मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं। अरे पता है फ्रैंकली भाई मेरी विश क्या है? अरे क्या सिंचन, मेरी विश ये है कि मेरे पास ना चॉकलेट चिप्स का पहाड़ आ जाए। अच्छा बाबा, मतलब तुझे सिर्फ चॉकलेट चिप्स का पहाड़ ही चाहिए ना? भाई साहब एकदम अजीब आदमी है, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना सिंचन, तो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट चिप्स का पहाड़ बना दूंगा, चिंता ना कर। अरे सच में फ्रैंकली भैया क्या? अरे हाँ सिंचन, इसीलिए तो जल्दी जल्दी बताओ चैलेंज हो कहाँ रहा है, मुझे जल्दी जल्दी जाना है। अरे ये देखिए मैंने मार्क कर दिया लोकेशन, बस चलते रहिए जीपीएस के मदद से। ओके गाइजर, सिंचन ने तो मार्क कर दिया, अब जीपीएस की मदद से चलते हैं। एक सेकंड गाइजर, आज लॉस सैंटोस में सन्नाटा का आया सिंचन। अरे मुझे लगता है सारे लोग तो वो चैलेंज की तरफ गए होंगे चैलेंज करने के लिए। अच्छा ऐसी बात है क्या? भाई लगता है ये चैलेंज तो कमाल का होने वाला है, देख रहो पूरा लॉस सैंटोस ही खाली है, एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। लगता है वो चैलेंज में तो बहुत सारे पैसे भी कमा सकता हूँ मैं। चलो गाइस चलो, आज तो वो चैलेंज को मैं जीत के रहूंगा। भाई मान तो मेरे पास थोड़ी खटारा सी गाड़ी है, बट गाड़ी से क्या फर्क पड़ता है, चलाने वाले में होना चाहिए दम, जो मेरे पास ऑलरेडी दम है। तो चलो गाइस यार जल्दी से चलते हैं चैलेंज वाली जगह पे। गाइस यार एक सेकंड में चैलेंज वाली जगह पे तो आ गया सिंचन, लेकिन ये थोड़े अजीब चैलेंज क्यों लग रही है भाई साहब? लॉस सैंटोस भाई साहब, ये पानी तो नहीं लग रहा, ये लावा लग रहा है। अरे लगता है यही चैलेंज है। अरे गाइजर चलो वहाँ पे जाके पूछते कि चैलेंज कैसे कंप्लीट करना है। चलो इन्हीं से पूछते हैं। एक सेकंड, चड्डी बनियान में क्यों है? चलो पूछते हो, चड्डी और कोट में एकदम अलग कॉम्बिनेशन है। भाई आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कोट और चड्डी में क्यों हैं? हैं? मेरा चैलेंज करते करते लोगों की चड्डियाँ भींग जाती है, चड्डियाँ निकल जाती है, इसीलिए मैं चड्डियों में रहता हूँ, क्योंकि मेरी चड्डी ना निकल जाए।
अच्छा भाई, ये तो गजब बात है, एकदम लेटेस्ट न्यूज है, मैंने तो पहली बार सुना है। छोड़िए वो सब, छोड़िए मुझे ये बताइए, क्या यहीं पे चल रही है ऐसा चैलेंज जिसे कंप्लीट करने पर जो मैं विश चाहूँ वो पूरी हो सकती है? हाँ आप सही जगह है, लेकिन इसके शर्त भी है, अगर आप हारते हैं तो हाँ याद रखिएगा आपकी चड्डियाँ उतार दी जाएंगी। है चड्डियाँ उतार दी जाएंगी? ना भाई ना, ऐसा चैलेंज नहीं करने वाला, चड्डियाँ कौन उतारता है? मतलब कि आपको लंगू पंगू कर दिया जाएगा और आपकी गाड़ी भी रख लिया जाएगा बेइज्जती के साथ। भाई साहब सिंचन ये क्या बोल रहा है, मतलब कि मुझे बेइज्जती कर देगा लोगों के सामने? अरे फ्रैंकली आपकी इज्जत भी कौन सी जो बेइज्जती होगी, करते है ना चैलेंज जीत गए तो सोचिए मन चाह विश हम लोग मांग सकते है। अच्छा भाई ठीक है सिंचन, ना मुझे पक्का यकीन है भाई तेरे चक्कर में ना एक दिन मेरी चड्डी जरूर उतरेगी, चल आजा गाड़ी बैठ। ओके भाई साहब ये चैलेंज करने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे हाँ मैं भी तैयार हूँ इस चैलेंज को करने के लिए। मैं भी तैयार हूँ फ्रैंकलिन तुम्हारी चड्डी उतारने के लिए। चाचा मेरी चड्डी उतारेगा, चड्डी बनियान भाड़ में जा तू, मैं घंटे उतारने दूंगा। चलो गाइस यार भाई चलता हूँ ये चैलेंज की तरफ, भाई यहाँ से मुझे जंप ही तो करना है, चलो जंप करता हूँ भाई। चलो 1 2 3 लेट्स गो, ऊपर चलो भाई मेरी गाड़ी। एक सेकंड भाई ये तो जंप बहुत ही खतरनाक है, बोट है। अरे भाई साहब जंप हो जा, जंप हो जा। ओ नो यार मैं तो यार लावा के अंदर ही गिर गया, ये कैसा जंप हुआ भाई यार, मेरी गाड़ी भी खराब हो रही है, बाहर निकलो बाहर निकलो। सो गाइस यार पहले आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसा जंप करना है। तो भाई यहाँ से गाड़ी ले जानी है, यहाँ पे जंप करना है, उसके बाद गाइस यार एक सेकंड, इतने सारे बोट के ऊपर से जंप करना है क्या? उसके बाद फिर लैंड करना है, फिर जंप करना है, फिर इतने सारे बोट के ऊपर लैंड करने के बाद आप फिनिशिंग लाइन में पहुंचेंगे। अच्छा ये है चैलेंज, भाई ये तो मैं आराम से कर लूंगा सिंचन। अरे हाँ हम लोग कर लेंगे, चलिए। ओके तो गाइस यार चलो स्टार्ट हो चुका है हमारा चैलेंज, भाई चलो चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। भाई साहब ये गाड़ी इतनी स्लो क्यों है? अरे चल ले बाबा। फाइनली गाइस यार मुझे लगता है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पहला पड़ाव। और गाइस यार ये देखो पहला पड़ाव हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, वाह सिंचन। अरे हाँ आखिरी पड़ाव भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फ्रैंकली भैया, चलिए। हाँ भाई हाँ आखिरी पड़ाव भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, चलो चलते हैं। बट एक सेकंड यहाँ पे बूस्ट तो है नहीं है। अरे तू चीटिंग करता है, पहले वाले में बूस्ट दिया, सेकंड वाले में बूस्ट नहीं दिया, तू चीटिंग करता है। अरे भाई साहब मैं तो हार गया। अरे दोस्तों लगता है फ्रैंकली भैया का बनियान उतरेगा। हाँ भाई साहब अब शर्त के मुताबिक आपकी गाड़ी अब मेरी हो गई, और हाँ अपने कपड़े उतारा जल्दी जल्दी। अरे यार ये सच में यार बहुत ही खराब है, मुझे कपड़े उतारने बोल रहा है, क्या ही कर सकते, उतारना ही पड़ेगा। ये लो भाई साहब मैंने सारा कपड़ा उतार दिया, ले लो मेरी गाड़ी की चाबी ले लो, तुमने मुझे सच में यार लंगू पंगू कर दिया, इतना सर्दी मुझे ठंडी भी लग रही है। चल सिंचन जल्दी चल, मैं वापस आऊंगा ये चैलेंज करने के लिए, और देखना इस बार मैं हरा के ही जाऊंगा तुम्हें। चल आजा सिंचन, मुझे कुछ भी करके मस्त वाली गाड़ी चाहिए जिससे गाइस यार मैं इसको हरा पाऊं चैलेंज में, ऐसे तो मैं कभी इसको चैलेंज में हरा ही नहीं पाऊंगा। अरे हाँ फ्रैंकली भैया इसे कुछ भी करके हम लोग ये चैलेंज जीतना होगा, तो वरना सारे लोगों को ये चड्डी बनियान उतारता रहेगा और दूसरे की गाड़ी भी लेता रहेगा। हाँ सिंचन ये तो बहुत ही गलत कर रहा है, ये चैलेंज के नाम में मतलब कि लोगों की इज्जत ही उतार रहा है भाई, सच में इसे छोड़ेंगे नहीं। गाइस यार हम लोगों ना कोई खतरनाक सी गाड़ी चाहिए सिंचन, भाई दिमाग लगा कि हम लोग खतरनाक सी गाड़ी कहाँ से ला सकते हैं। अरे मेरे पास एक आइडिया है, अवेंजर्स लोग के पास ना एक नई गाड़ी आई है, क्यों ना वहीं से चोरी करते हैं। अच्छा हाँ अवेंजर्स लोग तो भाई लॉस एंजेलिस के सबसे अमीर सुपर हीरो में से एक है, वो लोग के पास तो खतरनाक गाड़ी आती रहती है। चलो गाइस एक काम करते हैं, अवेंजर्स लोग क्या जाते हैं और वहाँ पे जो खतरनाक सी गाड़ी होगी ना उसे चोरी कर लेंगे सिंचन। अरे हाँ लेकिन ध्यान से अवेंजर्स लोग बहुत ही तेज है, पकड़ लिए तो। अरे कैसे पकड़ेंगे, हम लोग भी चोरी में बहुत तेज है। चलो गाइस अवेंजर्स के घर चलते हैं और वहाँ पे जाके उनकी मस्त वाली गाड़ी चोरी करेंगे। चलो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये देखो ये अवेंजर्स लोग का मेंशन हाउस, चलो अंदर चलते सिंचन आजा। भाई साहब अंदर जाने के बाद ना हमें यार चोरी करनी है, भाई यार किसकी गाड़ी पता नहीं लेकिन यार हम लोग को सबसे बेस्ट गाड़ी चोरी करनी है जो भाई अवेंजर्स लोग की होगी। चलो जाके देखते अंदर में कि कौन सी बेस्ट कार है, सिंचन तू आ रहा है ना? भाई यार सिंचन मुझे धोखा ना दे दे, मतलब कि मैं अंदर अकेले चोरी करने नहीं जाऊंगा, सिंचन तुझे भी आना पड़ेगा, पता नहीं कब आएगा। स्पाइडरमैन मेरी गाड़ी पूरे तरीके से चमकनी चाहिए, क्या समझे? भाई ये गाड़ी में बहुत धूल मिट्टी बैठ गई है, तो मैं अच्छे तरीके से साफ करनी है, ठीक है? आइला हाँ आयरन मैन सर जी मैं अच्छे से साफ कर दूंगा, इसे चिंता मत करिए। अच्छे से साफ करना तो वरना मैं इस बार तुम्हारी पॉकेट मनी कट कर दूंगा अवेंजर्स हाउस से जो तुम्हें मिलती है, ठीक है? तुम बहुत ज्यादा बर्गर खाने लगे हो याद रखना। चलो अब एक काम करता हूँ, नया सूट के ऊपर काम करता हूँ, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे सूट है बट नया सूट में काम करने का मजा ही कुछ और है। अरे गाइजर चलो एक काम करते, सबसे पहले गैराज में आके चेक करते हैं कि भाई आयरन मैन के पास या फिर अवेंजर्स लोग के पास कौन सी मस्त कार है जो भाई गैराज में नहीं लोग रखेंगे। तो चलो जल्दी जाके चेक करते। एक सेकंड भाई साहब यहाँ पे तो लैम्बोर्गिनी उरस है, और एक सेकंड यहाँ पे तो स्पाइडरमैन इसे साफ कर रहा है, मतलब कि स्पाइडरमैन के पास इसकी चाबी जरूर होगी, तो स्पाइडरमैन से इस गाड़ी को चुरा सकते हैं। वो स्पाइडरमैन क्या कर रहे हो भाई साहब, तुम स्पाइडरमैन होकर के गाड़ी साफ कर रहे हो? आई लव फ्रैंकलिन पता है सर जी ने मुझे बोला है साफ करने गाड़ी, आयरन मैन सर जी ने, इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा, तो वरना वो मेरा पॉकेट मनी कट कर देंगे। अच्छा ऐसी बात है, भाई यार तुम
तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता। एक काम करो, लाओ ये सफाई मैं करता हूँ, तुम बहुत ही पसीने पसीने हो गए, जाओ एक काम करो, तुम जूस उस पानी नहीं पी लो। आयला तुम कितने अच्छे हो, ठीक है मैं जा रहा हूँ ऊपर, शुक्रिया तुम्हारा, अच्छे से साफ करना गाड़ी को, ठीक है, और चाबी भी अंदर लगी हुई, आगे पीछे हर जगह करके साफ करना। चलो ऊपर जाकर थोड़ी सी पानी और पेट पूजा कर लिया जाए, बहुत टाइम से मेरा पेट दुख रहा था, चलो ऊपर जाता हूँ, सुबह से गाड़ी को साफ कर रहा था मैं, चलो यहाँ पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पियूंगा आराम से। चलो गाइस, वो स्पाइडरमैन कितना बड़ा बेवकूफ है भाई, उसने मुझे गाड़ी दे दी, उसमें बस चाबी भी लगा हुआ है, भाई सब सिंचन सच में नहीं आया, ये सिंचन ना बहुत ही ज्यादा बदमाश है। बट लेकिन गाइस ये देखो यार, हम लोगों को फाइनली ये गाड़ी मिल चुकी है, चाहे कमाल की गाड़ी लग रही है भाई, देखो यार येलो कलर में लैम्बोर्गिनी ओरस है भाई, सच है बहुत ही कमाल है भाई, ये गाड़ी तो चैलेंज आराम से कम्प्लीट कर देगी, ये देखो यहीं से ये जंप करने लगी। अरे सिंचन देख यार, हमें गाड़ी मिल चुकी है। अरे बाप रे भैया, ये गाड़ी तो कमाल की है। अरे हाँ सिंचन, बहुत ही कमाल की है, पता है मैंने यार स्पाइडरमैन से चोरी करके लाई है। अरे ये गाड़ी स्पाइडरमैन की है क्या? अरे नहीं नहीं यार, ये है तो आयरन मैन की, बट मैंने यार चला के स्पाइडरमैन से ये गाड़ी को चुरा ली है। जब आयरन मैन को पता चलेगा ना कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है, तो स्पाइडरमैन को छोड़ेगा नहीं। चलो चलता हूँ, देखता हूँ मेरी गाड़ी साफ हुई कि नहीं हुई। स्पाइडरमैन मेरी गाड़ी साफ हो गई, एक सेकंड गाड़ी कहाँ गई? स्पाइडरमैन तुम कहाँ चले गए, जल्दी आओ। अरे बाबा रे सर जी मुझे बुला रहे, आयरन मैन सर जी मैं अभी आ रहा हूँ, रुकिए। अरे हाँ सर जी बताइए बताइए, गाड़ी कहाँ गई मुझे ये बताओ पहले। अरे गाड़ी तो ये, एक सेकंड गाड़ी कहाँ चली गई? अरे फ्रैंकलिन आया था, बोला गाड़ी साफ कर देंगे, लगता उसने सच में गाड़ी को साफ कर दिया। अरे सिंचन मैंने गाड़ी को अच्छे तरीके से साफ कर दिया, चल आजा गाड़ी बैठ, अब हमें चैलेंज करने जाना है। अरे हाँ इस बार तो हम लोग पक्का चैलेंज जीतेंगे ही इस गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी बहुत ही कमाल की है। अरे हाँ गाइस, और आप लोगों को मैं इंटीरियर दिखाता हूँ, ये गाड़ी को देखो सनरूफ से लेकर के भाई इसमें क्या कुछ नहीं है, आप लोग ये बताओ, मतलब कि भाई क्या ही मस्त लग रही है। और भाई साहब ये उरुस है एसयूवी, ये जंप भी कर सकती है, पहाड़ों में भी चल सकती है, और बहुत ही स्पीड भागती है, ये देखो यार क्या स्पीड है इस गाड़ी की। चलो एक काम करते हैं, चैलेंज वाली जगह पे चलते हैं और गाइस यार चैलेंज को कम्प्लीट करते हैं और अपनी मन चाहे विश को मांगते हैं, क्योंकि गाइस यार मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मन चाहे विश को मांगने के लिए। चलो चलो, तो गाइस यार अब हम लोग फिर से चैलेंज शुरू करने वाले हैं, ओ भाई साहब इस बार देखना जीत के रहेंगे। अच्छा अगर हार गए ना तो ये गाड़ी तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, जो तुम्हारी बच्ची हुई चड्डी पुड्डी है ना वो भी ले लूंगा। अरे भाई साहब इस बार मैं जीत के मानूंगा, देख लेना क्यों सिंचन। अरे हाँ इस बार देखना तो हम लोग तुम्हारी चड्डी उतारेंगे। हाँ हाँ इस बार देख लेना, चलो 1 2 3 लेट्स गो। अब गाइजर ये गाड़ी को भगाते हैं, ये गाड़ी तो बहुत ही कमाल की, ये देखो यार भाई जम के और आराम से इसने कम्प्लीट कर दिया पहला पड़ाव, ये देखो भाई आराम से लैंडिंग हो चुकी है। भाई पहला पड़ाव तो पहले वाली गाड़ी में भी कम्प्लीट हो गया था, ये आखिरी पड़ाव होता है ना वो यार थोड़ा ज्यादा डेंजर होता है, क्योंकि इसमें ना अब तो आपको बूस्ट मिलेगा ना यार भाई, यहाँ पे जंप का कोई और अदर ऑप्शन है बस यार, बहुत ही लंबी सारी बोट है और उसके ऊपर से भाई जंप करना है, तो चलो यहीं से पीछे से लेके चलते स्पीड में गाड़ी को। और भाई साहब चलो लेके चलते सिंचन, ये देखो हमारी गाड़ी तो जंप कर गई। अरे ये देखो भाई सच में लैम्बोर्गिनी में बहुत ही ताकत है, ये देखो, और ये हो गई फर्स्ट। भाई देखो क्या ही कमाल है, हम लोग फाइनली जीत गए सिंचन जीत गए। अरे भाई साहब फाइनली हम लोग जीत गए ना। हाँ तुम लोग तो जीत गए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हाँ तुम लोग तो जीत गए, बताओ तुम्हारी विश क्या है। क्या मांगू एक तगड़ा आइडिया। अच्छा एक काम करो, मुझे ना एक मैजिकल विश चाहिए, जो भी सामान मैं छू वो यार डायमंड में बदल जाए। ठीक है ये लो तुम्हारी विश हो रही है पूरी। अरे एक सेकंड मेरे साथ हो क्या रहा है ये, पता नहीं गाइस ये मेरे साथ हुआ क्या, लेकिन चलो चेक करते हैं। आजा सिंचन गाड़ी बैठते हैं, देखते इसे छू कर ये डायमंड में बदलती है कि नहीं बदलती। अरे बाप रे भाई सच में ये तो डायमंड में बदल गई। अरे हाँ सिंचन भाई सच में हमारी विश तो पूरी हो गई। गाइस देखा आपने, हम लोग की विश पूरी हो गई सच में, भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे हाँ सच में फ्रैंकली भी आपकी विश तो पूरी हो गई। और गाइस मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, देखो मतलब कि विश पूरी हो गई और हमारी गाड़ी पूरी तरीके से डायमंड में बदल गई। वाह भाई वाह, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। चलो एक काम करता हूँ, अवेंजर्स लोग को जाके दिखाता हूँ। अरे हाँ अवेंजर्स लोग को दिखाते हैं कि देखो हमारी गाड़ी तो पूरे तरीके से डायमंड में बदल गई। अरे हाँ वो लोग कितने खुश हो जाएंगे। गाइस यार देख रहे हो क्या ही मस्त तरीके से डायमंड में गाड़ी चेंज हो चुकी है। भाई एक सेकंड गाइस यार, अवेंजर्स लोग को पता चलेगा ना कि भाई हमारे पास ऐसी पावर आ गई है तो वो लोग तो सिंचन पगला ही जाएंगे। अरे हाँ क्या पता वो लोग हमें अवेंजर्स टीम में रख ले। अरे हाँ ऐसा भी हो सकता है भाई, सच में कुछ भी हो सकता है। चलो अवेंजर्स लोग को दिखाते हैं और मैजिक से शॉक करते हैं। एक सेकंड गाइस यार, अवेंजर्स लोग तो यहीं पे खड़े हैं। अरे अवेंजर्स मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी गाड़ी को चुराया, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले करके आया हूँ। आइला सर जी यही है फ्रैंकलिन, इसने आपकी गाड़ी चुराई है, मार दीजिए इसे। अरे नहीं नहीं मुझे मत मारो, देखो मैं गाड़ी लेके आ गया वो भी डायमंड बदल करके। अरे हाँ बात तो सही है,
ये सच में गाड़ी को तो पूरे तरीके से डायमंड में बदल के लेके आ गया। ये कैसे फ्रैंकलिन, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? अरे फ्रैंकलिन भाई के पास आ चुके मैजिकल पावर, अब वो कोई भी चीज को छुएंगे तो डायमंड में बदल जाएगी। क्या कह रहे हो, ऐसी पावर तो लॉस एंटोस के कोई भी एवेंजर्स के पास नहीं है। फ्रैंकलिन क्या ये सच है? आइला मुझे तो ये झूठ लग रहा है। तुझे झूठ लगता है? रुक जा, मैं ये तीनों की तीनों गाड़ी को छूंगा और ये तीनों की तीनों गाड़ी डायमंड में बदल जाएगी। ये देखो ये तीनों की तीनों गाड़ी भी डायमंड में बदल गई। देखा मेरा सुपर पावर? अरे वाह ये तो कमाल का सुपर पावर है। फ्रैंकलिन मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, क्या तुम अवेंजर्स हाउस में आना चाहोगे एक अवेंजर्स बनके? क्या कह रहे हो, एक अवेंजर्स बनके? और भाई साहब मुझे यहाँ पर रहने भी मिलेगा क्या? हाँ एकदम मिलेगा, अपने नया ही घर समझो। अरे वाह दोस्तों हमें नया घर मिल रहा है सिंचन, लेकिन एक शर्त है, मैं सिंचन को भी अपने साथ लेके आऊंगा। ठीक है कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह सिंचन देखा, अरे मैं तो पहले ही बोला था अवेंजर्स लोग हमें क्या पता अवेंजर्स टीम में ले ले। और यार सच में कमाल हो गया। चलो गाइस यार अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये घर में क्या क्या है। ये घर में आज से हम लोग भी रह सकते हैं। इतना बड़ा टेडी बियर और भाई सब यहाँ पे इतना बड़ा टीवी जो भाई सच में बहुत ही कमाल का है। अरे फ्रैंकलिन भाई ये टीवी में तो मैं रोजाना एक्शन कमिंग देखूंगा। अरे मैं भी देखूंगा। चलो गाइस यार आते इधर भाई देखो तो यहाँ पे क्या क्या, क्रिसमस ट्री है, पियानो है और भाई साहब यहाँ पे तो जूस काउंटर भी है, जो मन में चाहे वो जूस पी सकता हूँ। आता हूँ यार इधर आता हूँ उस तरफ देखता हूँ और क्या क्या है। भाई मैंने कभी भी अवेंजर्स हाउस को इतने अंदर से नहीं देखा है, क्योंकि भाई अवेंजर्स लोग को ही सिर्फ अलाउ होता है अंदर जाने का। यहाँ पे भाई पूरे तरीके से एक जिम है, ओ माय गॉड, और यहाँ पे देख रहे हो बाथरूम है और यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। क्या ही कमाल की बात है, घर के अंदर ही स्विमिंग पूल, भाई ये तो सच में बहुत ही कमाल की बात है। अब चलो ऊपर वाले तल्ला में चलते हैं। ये देखो गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है भाई साहब, ये तो बेडरूम है। यहाँ पे गाइस लेट सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं। चलो इधर चलते हैं। इधर क्या है भाई साहब, इधर तो अवेंजर्स लोग का सारा सामान है। लोकी का भाई देखो ये छड़ी है और भाई टेसराक्ट भी है, भाई गॉन्क्लेट भी है, यहाँ पे आयरन मैन का सामान भी है और यहाँ पे थोर का स्टॉर्म भी है, कैप्टन अमेरिका का शील्ड भी है। यहाँ पे तो कमाल और कॉमिक से पूरा वॉल को रखा गया है। भाई सच में ये जगह तो सच में कमाल की है। इधर यार मीटिंग होता होगा, सच में अवेंजर्स हाउस को जगह तो कमाल की। ये देखो यार आयरन मैन का पोस्टर, वाह भाई वाह मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई। ऐसा अवेंजर्स हाउस मेरा नया घर हो चुका है गाइस। यार आप लोग कमेंट करके बताना ये नया घर कैसा लगा। यहाँ पे भी एक स्विमिंग पूल है। सो गाइस यार ये नया घर आप लोगों को कैसा लगा, अवेंजर्स हाउस अब से हमारा नया घर है? अरे हाँ दोस्तों कमेंट करके बताओ। ओके तो गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। हम लोग यहाँ पे यूं ही इस तरीके से वीडियो लाते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।